अब देखो क्या सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग का वॉइस आया ना, ऐसे लिखो यस नाउ रिकॉर्डिंग हैज बीन सर, प्रेस। हाँ यस हाँ ऐसा। सर, हाँ अब देख बच्चों देखो सिंपल सी बात है, यल पार्ट। अब अभी क्या हुआ बच्चों, देखो सिंपल से आते, सबसे पहले आपसे बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप हिमाचल उन बच्चों में से हो जो यहाँ पे बहुत सारा इतना सर्वाइवर दिया दिया और आप यहाँ पे हो, ठीक है ना। तो अभी करना क्या बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करना है। टाइम बता दिया बच्चों आपको, आपको जो टाइम है उस टाइम पे आपको क्लास ज्वाइन करना है। टाइमिंग क्या है बच्चों आपका, 6 बजे से लेके 8:15 तक क्लास होगा, राइट। या आपका जो भी टाइम टेबल दिया होगा उसमें आपको लॉग इन करना है। और एक बात बच्चों, अब देखो जैसे और भी अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना। देखो क्लास के पहले आने की कोशिश कीजिए, कभी भी आप क्लास से बाद में आइए, ठीक है बच्चों, ट्राई करना। हाँ ऐसा हो सकता है बारिश हो रही है, कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है तो ठीक है, लेकिन आप सारे बच्चे ये ट्राई कीजिए कि क्लास के 5 मिनट पहले आ जाओ। अब इससे हो गया बच्चों, अगर आप क्लास के 5 मिनट पहले आओ तो क्या होगा, मान के चलो कल मैं टॉपिक कुछ पढ़ाया होगा तो किसी बच्चे को डाउट होगा तो हम वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, समझे बच्चों, है ना सारे बच्चे। यस सर, अब देखो, यस हाँ सर, अब देखो यस अगर सर, अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो क्या होगा बच्चों, आपके ना ऐसा आप हैंड रेस करना, देखा ऐसा हैंड रेस करना, तो आपको क्या होगा आप ऐसा डाउट पूछ सकते हो। और आप समझ रहे हो तो क्या ना बच्चों, ऐसा आप थम्स अप डाल देना या हर्ट डाल देना या कुछ ऐसा कुछ साइन डालना जिससे आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ भी नहीं आया, जैसे आपको लगा कि इसे रिपीट करो, तो क्या ना आप ऐसे चैट बॉक्स जाना, जैसे मैं जो चैट बॉक्स लिखा हूँ, हाय एवरीवन वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास, है ना, क्या सबको मैसेज गया अभी, है ना, सबको मैसेज आया होगा, राइट। यस सर, हाँ तो बच्चा आप है ना बच्चों, आप है ना ऐसे मैसेज करना कोई भी क्लास, ऐसा नहीं मैं खाली केमिस्ट्री क्लास से बात कर रहा हूँ, आप फिजिक्स क्लास में करना, ऐसा मैथमेटिक्स क्लास में से करना, तो जिससे क्या होगा आप प्रॉपरली सीक्वेंस से पढ़ पाओ। अब सिंपल सी बात देखो, आप भी जानते हो, देखो अब देखो सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पे 1 आवर क्लास होता है, जो होता है बच्चों यहाँ पे आपका 1 आवर क्लास होता है, तो 1 आवर में आपको क्या करना बच्चों, आपको मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज करना है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे 10 मिनट लेट आ रहा है फिर बोलो सर आप समझा दो, ऐसा मत करना। ट्राई करो कि आप उसको पहले से देखो। और एक बात, नेट बहुत कीमती है, तो क्लास जब एंड जब करो तो नेट बचा रखना, ऐसा नहीं कि इंस्टा रील्स देखो यूट्यूब रील्स देखो, ऐसा मत करना। जब पढ़ाई करो तो आप जब पढ़ाई के लिए प्रॉपर देखना, ठीक है ना। और कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी आपको डाउट लगे हमने पढ़ाया है ना, कुछ डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, हम आपको ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में ऐड हो जाना, सबको ऐड कर देंगे, तो जिसका होगा अब वहां सब पे क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका पहला काम। दूसरा काम क्या है बच्चों, आपको है ना हर एक क्लास के आगे, ये मेरा काम है, देखो आपको एवरी क्लास जो भी आपका क्लास होगा उस क्लास में आपको ये बताऊंगा उस क्लास का इम्पोर्टेंस क्या है, और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक्स में से जेई के कितने क्वेश्चन आ चुके, कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ये हम देखेंगे। और एक बात, आपका मोटिव क्या बच्चों, आपका मोटिव यही है कि हमें आपका एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, हाँ ना बच्चों, सबका तो मोटिव यही है ना कि सबको NITs IITs प्रेम कॉलेज में जाना है, तो ये आपका मोटिव है। अगर हमको JEE निकालना है ना, तो अगेन जैसा हमने आपको पहले बताया था, आपको उन्हें से बताया था आपको डिसिप्लिन, दूसरे को बच्चों ओके है ना, तो आपको प्रॉपरली क्वेश्चन पूछना है। और एक बात, और क्या मैं बोलता बच्चों, और मैं भी क्या बोल रहा था मैं बच्चों बोलो, क्या बोल रहा था मैं, हाँ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हाँ डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है ना। और एक बात बच्चों देखो, अगर आपके माइंड कुछ भी क्वेश्चन आता है, 2 सेकंड अभी देखो, अभी कोई बच्चा मुझे अभी मैसेज कर रहा है अभी इस क्लास दौरान, तो आप ट्राई कीजिएगा जब हमारा क्लास चल रहा होगा तो आप मुझे मैसेज मत कीजिएगा, जब क्लास खत्म हो जाता है तभी आप मुझे मैसेज कर, तो जिससे क्या होगा क्लास आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है बच्चों, इतना समझ गया बच्चों। देखो अभी है ना आसिफ सर यस भी, जैसे अभी आसिफ सर भी आ गया, ठीक है ना,
अभी किसी बच्चे क्लास जो नहीं हो रहा था, तो जो भी आपके इश्यूज आता है ना, तो आपको सबसे अलग किसी को मैसेज करना बच्चों, आपको कभी भी ग्रुप में कुछ मैसेज नहीं करना है, ठीक है ना। आपको हमेशा आसिफ सर को मैसेज करना है कि सर मेरा मुझे डाउट आ रहा है, आप मुझे हेल्प करो, तो क्लास जो नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, तो वो सब आपको आसिफ को बताना है, ठीक है बच्चा। डन इतना सब बात, यल पार्ट। यस सर ओके बच्चा, यस सर अभी आपको कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हो। हाँ अभी अगर मुझे कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो। पूछो बच्चा, पूछो पूछो। हाँ अब देखो, अभी मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक टर्म में आपको जानना चाहूंगा कि आपका स्कूल में कितना चैप्टर खत्म हो गए हैं, है ना, आपका एग्जाम्स कब होगा, तो वो सब चैप्टर मुझे अभी शेयर करना, ठीक है। अब देखो, अभी हम क्या चैप्टर शेयर करने वाले बच्चों, अभी हम करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आपका जो क्या होगा, आपका जो एनसीईआरटी है, जो आपका एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब मुझे बता बच्चों, क्या आपका स्कूल में ये चैप्टर खत्म हो चुका है, हाँ या ना। यस सर बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे ऐसे आपका आंसर देना है, ऐसे ही आपका आंसर देना, ठीक है ना। हाँ तो अगर आपका ये कुछ चैप्टर खत्म हो चुका है, तो मैं समझूंगा कि आपको बहुत से टर्म आते हैं, अगर आपको चीज फिर भी समझ में नहीं आती तो मुझे मैसेज करना कि सर हमको इसमें डिफिकल्ट ज्यादा होती है। अब जैसे देखो बच्चों, आपका 11th में ऑर्गेनिक आता है ना, तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि सर हमको ऑर्गेनिक नहीं आ रहा, तो वो उस वैसा कोई इश्यू नहीं है। हम अगर आप अगर बेसिक प्रॉपरली पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, ये पढ़। अब मुझे बताओ बच्चों कि आपका स्कूल में कितना चैप्टर केमिस्ट्री अभी खत्म हो चुका है, केमिस्ट्री में आपका कितना चैप्टर खत्म हो चुका, कौन बोलेगा, कौन बता पाएगा, हैंड रेस करो, कौन बोलेगा, हैंड रेस करो जरा। ओके जैसे अभी कशिश ने अभी हैंड हैंड रेस किया, पलवी ने किया, अर्जुन ने किया, है ना, अनुराधा ने किया, हाँ तो जिसको उसको बोला, हाँ कशिश बोला बच्चा आपके। फोर चैप्टर ओके चार चैप्टर हो चुका, और कौन सा हो चुका बच्चा, स्टार्टिंग चार हो चुके चैप्टर्स, कौन से चैप्टर हो चुके आपके एग्जाम में, कौन से चैप्टर खत्म हो चुके हैं, स्टार्टिंग है चार के बीच में से स्टार्ट किया उन्होंने, स्टार्ट किया उन्होंने, बोलो बच्चों क्या चैप्टर आपका सीक्वेंसेस चल रहा है। जैसे आपका क्या हो गया बच्चों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, है ना, फिर आपका पीरियडिसिटी आ गया, फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग आ गया, तो क्या सिक्वेंस में चैप्टर खत्म हुआ है कि बीच बीच से सर कहीं से। सीक्वेंस सीक्वेंस ओके हाँ ओके हाँ तो अभी देखो आपका, देखो अभी हमारा सीक्वेंस में खत्म हो चुका है। अब देखो, लेकिन हमारा मोटिव क्या है बच्चों, हमें आपका निकालना है जेडब्ल्यूआरवाई, सोचना है। अब देखो आपको, मैं जब भी आपको कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मेरा काम क्या होगा, देखो सबसे पहले मेरा काम ये होगा, मुझे आपको ये बताना कि जेडब्ल्यू के हिसाब से उस चैप्टर में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट भी, मोस्ट आपका आईएमपी टॉपिक कौन सा है, सबसे पहला काम मेरा होगा। दूसरा पार्ट, दूसरा इंपोर्टेंट क्या होगा बच्चों, दूसरा ये होगा कि आपको ना जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ाई करोगे, आप है ना एनसीईआरटी के, आप एनसीईआरटी के बैक साइड में जितने भी एक्सरसाइज है आपको सॉल्व करना, वो सॉल्व कैसे करो बच्चों, मैं उसका आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। अभी सोल्यूशन भेज दो, ये नहीं आपको सब कुछ उसमें करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है, और आपको नहीं आता तो आप मुझे करोगे। कुछ तो, कुछ पार्ट हम यहाँ भी करेंगे, कुछ पार्ट आपका होगा, ठीक है बच्चों, यल पार्ट हो गया, समझ गए सारे बच्चे। तीसरी बात के बच्चों देखो, तीसरी बात ये है कि आपको है ना एनसीईआरटी के आता है एग्जाम्पलर, आपको है ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर आता है, तो आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करना है। अगर आप एग्जाम्पलर भी, वो भी कौन पढ़ा, मैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना, उससे क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा प्लस उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ये तीन काम मेरा होगा। जब भी आपका चैप्टर स्टार्ट होगा तो मेरा काम ये होगा कि मुझे आपको स्टार्टिंग में तीन चीज समझाना है, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है, जेडब्ल्यू बहुत बड़ा टॉपिक आता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है ना। आप आपको अगर आपको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है या केमिकल बॉन्डिंग है या बच्चा आप है ना, हाँ कुछ बोलना तभी आप बोल रहे, फिर ऐसा हो सकता है कि घर में मॉम डैड कुछ बोल रहे हैं आपको, वो ठीक है बच्चों, ठीक है, और हाँ आपको हंसी आए तो ऐसा हंस भी सकते हो, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है ना, हंसना अच्छी बात है ना, तो ऐसा करना, ठीक है ओके। तो ये करना हो गया, और क्या दूंगा बच्चों, मैं प्रोवाइड करूंगा बच्चों आपको, मैं ये प्रोवाइड करूंगा कि आपका जैसे आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, आपको मैं ना जेडब्ल्यू के, जेई के
प्रीवियस ये क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा। तो मेरा पहला काम क्या बच्चों होगा, ये होगा आपका पहला पीडीएफ, ये होगा दूसरा पीडीएफ और ये होगा तीसरा पीडीएफ। तो क्या बच्चों, और हाँ, और उस चैप्टर का होगा शॉर्ट नोट्स, उस चैप्टर होगा शॉर्ट नोट्स आपको सेंड करूंगा। तो ये चार चीज में आपको हर चैप्टर के पहले सेंड कर दूंगा। इतना बार समझ गए बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. इतना मेरा, इतना ना आपको चैप्टर होना चाहिए ना। और एक बात, ज्यादा पढ़ना नहीं है हमको करने के बच्चों, हमको स्मार्टर करना है। जो इम्पोर्टेंट है हम उसी पार्ट को पढ़ेंगे जो आपका बेसिक बेसिक पार्ट होगा, जो आपको लगता है कि हाँ अभी एग्जाम में इतना पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसे गो थ्रू करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है कि गो थ्रू करना चाहिए। जैसे आपका ईएल पार्ट हो गया, जैसे आपका चैप्टर भी स्टार्ट कराने वाला बच्चे थे ईएल पार्ट, तो ये पार्ट में आपको खाली गो थ्रू कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं इसको 2-3 घंटा पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों, डन? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखो ये जो है आपका चैप्टर का डिटेल्स के बारे में दिया है। देखो अब देखो बच्चों, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। अभी आपका जो फर्स्ट चैप्टर बच्चों, यहाँ देखो सिंपल सी बात है, आपको जेडली कौन सा टर्म होता है बच्चों, ये आता है आपका जनवरी के टर्म में, एक आता है, एक आपका अप्रैल वाले महीने में आता है, राइट? तो ये आपका दो टर्म होता है। हमारा ट्राई क्यों होना चाहिए बच्चों कि हमारा जनवरी में आपको क्वालिफाई हो जाए। अब देखो बच्चों, क्या आपको पता है कि जेई कितने मार्क्स होता है बच्चों, बोलो कितने मार्क्स होता है जेई एग्जाम, कितने मार्क्स होता है बच्चों, बोलो? पता है तो बोल दो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मना कर दो। देखो जो आपका जेडब्ल्यू एग्जाम है वो आपका होता है 300 मार्क का, वो आपका 300 मार्क का एग्जाम होता है, ठीक है ना? फिजिक्स में फिजिक्स में आता है 100 मार्क्स का, फिजिक्स में 100 मार्क का, केमिस्ट्री में 100 मार्क्स का, और मैथ्स भी आपका तो 100 मार्क का, ठीक है ना? ये आपका 100 मार्क्स एग्जाम होता है, ठीक है? दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा पार्ट ये कि आप अगर मान के चलो आपने एक क्वेश्चन को राइट किया, तो राइट करने के आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, है ना? अगर आपने उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया तो क्या होगा बच्चों, वो हो जाए आपका, हो जाए नेगेटिव 1 मार्क्स हो जाए। अब इसका मतलब क्या बच्चों, मान के चलो आप मारो तुक्का, मान के चलो आप एक तुक्का सही हो गया तो आपको 4 मार्क्स मिल गया, और मान के चलो आपने क्या किया 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो आपका मार्क्स हो जाए बच्चों 0 मार्क्स हो जाएगा। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका एक मार्क का एक क्वेश्चन राइट करोगे तो 4 मार्क मिलेगा, और एक गलत करोगे तो आपका माइनस होने आएगा, और ये सबके ऊपर लागू होता है, ठीक है? ये अल्पा। अब देखो अभी का जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है, वो पैटर्न कैसा, वो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल है, आपको बता देखो। अब देखो होता क्या बच्चों, ये आपका सारे सब्जेक्ट में आता है, ठीक है ना? तो क्या होता है बच्चों, 20 क्वेश्चन होते हैं आपके, 20 क्वेश्चन होते हैं आपके एमसीक्यूज। क्या होता है बच्चों, ये आपके एमसीक्यूज पैटर्न के होते हैं, ठीक है ना? फिर क्या होता है बच्चों, क्या होता है आपका 10 क्वेश्चन आते हैं आपके एनएटी। अब एनएटी क्या है बच्चों, एनएटी मतलब ये होता है आपको मिलेगा न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और उसका आंसर वहां पर लिखना है, मतलब आपको ना कोई नंबर आपको है। जैसे मान के चलो आपने उस क्वेश्चन कर लिया और उस क्वेश्चन का आंसर आया 5, तो आपको कीबोर्ड से ना आपको वहां पे 5 टाइप करना है, तो आपको होगा न्यूमेरिकल। अब होता क्या बच्चों, देखो जो आपका एमसीक्यू है, जो आपका एमसीक्यू वाला पैटर्न है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको होता है नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट होता है बच्चों, यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। अब देखो होते हैं 10 आपके न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन करना क्या होता है बच्चों, करना होता है आपको खाली 5, करना होता है आपको खाली 5 क्वेश्चन करना होता है। इतना पर समझ में आया बच्चों? तो मतलब आपने क्या किया बच्चों, हर सब्जेक्ट मैक्सिमम कितना करो बच्चों, मैक्सिमम आप क्या करोगे 25 क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर पाओगे, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो इसको 25, केमिस्ट्री में 25 और मैथ्स में 25, तो ये आपको पैटर्न होगा। इतना पर समझ गए बच्चों? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब मुझे ना, अब देखो अभी हम गेम खेल रहे हैं, अब देखो ये हमने पढ़ाई, सचो हमने पढ़ाई किया, यस सर। अभी जब हमने पढ़ाई किया तो मैं आपको 2 मिनट पूछूंगा कि आपने क्या सीखा है, है ना? अब मुझे कौन बताएगा कि जो हमारा जेडब्ल्यू है उसका पैटर्न कौन है, कौन बताएगा? हैंड रेज करो, कौन बताएगा? हैंड रेज करो, कौन बोलेगा? हाँ, अब जैसे निहारिका ने बोला है, कुलदीप ने बोला, हाँ तो कुलदीप बेटा आप बोलो, फिर निहारिका बोलो, आधा बोलेंगे, फिर शुभालता ने बोला, अभी बोला है, हाँ बोलो बच्चा, आपने पैटर्न क्या है बताओ जरा, कैसा होता है पैटर्न? यस सर, 20 एमसीक्यूज होंगे जिसमें हमें 20 अटेम्प्ट करने हैं, बट अगर कुछ गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग होगी,
और 10 न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन होंगे, एकदम सही, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिसमें से सिर्फ हमें सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम 5 करते हैं, यस सर, है ना, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन टोटल। हाँ तो ये होगी, ये आपका पार्ट हो गया, आई गेस सबको क्लियर है ना, ये वाला पार्ट यस सर। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, कॉलेज की बात करते हैं, तो आपका देखो जब भी हम, देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम जेई मेंस के बारे में बात करते हैं ना, जब भी हम जेई मेंस के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो हमारे माइंड में क्या होता है बच्चों, आपके माइंड में सबसे पहला कॉलेज आना चाहिए आपका एनआईटी हमीरपुर के बारे में, है ना। अब देखो एनआईटी हमीरपुर क्यों बच्चों, बिकॉज ये आपका होम स्टेट एनआईटी है, ये आपका होम स्टेट एनआईटी क्यों होता है बच्चों, आपके होम स्टेट एनआईटी में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो बच्चों क्या होता है 50% सीट आपको आपका रिजर्व होता है वहां पर आप सब बच्चों के लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो अभी बात करें कट ऑफ के बारे में, तो पहले तो कल भी हमने कट ऑफ देखा था बच्चों, कल भी हमने कट ऑफ देखा था, राइट। तो कट ऑफ बहुत सिंपल है, कट ऑफ आपका बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको जेई मेंस को क्वालिफाई करना है, अगर आपको, अगर मान के चलो आपको जनरल कैंडिडेट हो और आपको जेई मेंस क्वालिफाई करना है, तो आपको बच्चा, आपको है ना 90 प्लस मार्क्स लेके आ जाओ, आप जे मेंस क्वालिफाई कर लोगे। अब देखो 90 प्लस मार्क्स मतलब कितना परसेंटाइल, आपको जो मार्क्स आता है वो आपका परसेंटाइल में आता है, तो इसका मतलब होता है आपका, आप मान के चलो, आप मान के चलो ये होता है आपका 91% के हिसाब आता है, ये बताता है मार्क्स, ये मार्क्स के बारे में सोचो, जनरल में 90, ओबीसी में आपका जाता है अराउंड, जनरल ईडब्ल्यूएस जाता है अराउंड आपका 80 के आसपास, जनरल ईडब्ल्यूएस ठीक है ना, ओबीसी जाता है अराउंड आपका 65 से 70 मार्क्स, और आपको एससी जाता है अराउंड 50 से 60 मार्क्स के बीच में, और एसटी जाता है हमारा 40 से 55 मार्क्स के बीच में, ये आपका एवरेज मार्क्स है 22 मार्क्स है। तो अगर आपका, देखो सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो आपको, आपको लेके आना 80 मार्क्स, और आपको 80 मार्क्स तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, देखो 20 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, मान के चलो आपने 20 क्वेश्चन को राइट कर दिया, कितना मार्क्स आ गया बच्चों, 80 मार्क्स आ गया, तो क्या होगा बच्चों, आपका, आपका हो गया, आप हो गए क्वालिफाई। अब इसका मतलब नहीं कि आप सब कुछ कर लोगे, देखो आप है ना सबसे पहले आपको एक, आपको सब्जेक्ट स्ट्रांग बनाना है, आपके एक स्ट्रांग सब्जेक्ट होना ही चाहिए जिसमें आप है ना 20 के 20 एमसीक्यूज करना ही, आपको समझ रहे बच्चों मेरी बात, है ना, yes, sir. Yes, sir. तो ये आपको, yes, sir. ये तो ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, है ना। अब देखो, देखो सिंपल सी बात है, हमको एंट्रेंस क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं है, हमको रैंक लेके आना है ना, तो अगर आप इतना पार्ट प्रॉपरली कर तो आप आराम से आप मार्क्स लेके, तो डिफिकल्ट नहीं लगे आपको, ठीक है। तो आपको समझना है कि आपको क्वेश्चन कैसे देना है। अब देखो जैसे हम बात करते हैं अवंत में होता टेस्ट, ना टेस्ट होगा, अब टेस्ट में क्या होगा बच्चों, आपको क्वेश्चन आएगा, है ना, आप सबसे पहले आपके माइंड में ये पता आना चाहिए बच्चों कि आपको तुक्का नहीं मारना है, आप ट्राई करो, जरूर ट्राई करो कि मुझे कितना टाइम लग रहा है, और आपको पता चल गया, देखो सिंपल सी बात है, अगर हमको एंट्रेंस निकालना, आपको दो चीज काम आता है, एक आता है, एक हम बोलते हैं मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, जिससे क्या होगा आपका रिविजन होगा इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों, आपको आपका होना रिविजन होना चाहिए, आपको उसको बार बार रिविजन करना है, और आपने रिविजन प्रॉपरली कर लिया और आपका मॉक टेस्ट प्रॉपरली चल रहा है, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आप आराम से 100-150 मार्क्स लिखोगे, और आपको बेहतरी, दैट इज कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियर जैसे अच्छे अच्छे ब्रांच आपको मिल जाए, समझे बच्चों, है ना, ऐसे आपको ना प्रॉपरली इसको गाइड करना है, तो आपको पता चल गया कि आपको मार्क्स लेके आना है। देखो डिफिकल्ट नहीं है, देखो जैसे मैं आपको, देखो जैसे मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जैसे ये चैप्टर है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर बच्चों। अब देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, देखो ये आपका पिछले 5 साल का टॉपिक वाली बात कर रहे हैं, ये आपका 2019 है, 20, 21, 22 और 23 के बारे में। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, देखो क्या रहा है, कंसेंट्रेशन से इस बार आपका 2 क्वेश्चन है, केमिकल कॉम्बिनेशन एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन आया, क्वांटिटी मेजर से आप यहाँ से 3 क्वेश्चन आ रहा है, तो जहां से आपका क्वेश्चन आ रहा है आपको वहीं पर फोकस करना है ना। अब देखो जैसे हो गया आपका सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस पर पूछ, जैसे आपको ये भी मैं आपको कराने वाला हूँ, सबको ये कराने वाला हूँ, ठीक है ना।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहा, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 2022 में क्वेश्चन आया, 21 में दो क्वेश्चन आ गया और आप दो क्वेश्चन आ गया, तो आपको आपको अपने आप समझना है कि मुझे सिग्निफिकेंट पता होना चाहिए, लेकिन मुझे पूरा दिन लगाना नहीं है। आपका मेन पार्ट क्या बच्चों, आपका मेन पार्ट है आपका आता आपका मोल कॉन्सेप्ट कंसेप्ट, ये आपको प्रॉपरली पढ़ना है। अगर आपको ये वाला पार्ट आपको प्रॉपरली पता है तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। समझ में आ रहा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर अभी अभी किसी बच्चों को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ जरा अगर पूछना है तो, अगर नहीं पूछे तो हम नो बोल सकते हो। क्लियर है? गुड टू गो। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अगर मुझे हाँ तो अगर मुझे हाँ अगर मुझे बीच में पता चले कि मुझे कुछ बताए तो मैं आपको बता दूंगा, है ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, अब जब भी हम क्लास जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ाई करेंगे, है ना, जब भी हम है ना कल से जो भी हम टॉपिक पढ़ाई करेंगे, हम देखो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, एक आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे और एक आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन करेंगे। जिससे क्या होगा बच्चों, आपके उन्हें पता चलना चाहिए कि आपका जेडब्ल्यू में आपका किस लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफिकल्ट पूछा जाता है, मीडियम पूछा जाता है कि कितना पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से बच्चों, यहाँ से। लेकिन वो पता होना चाहिए कि तीन क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट है कि हार्ड होते हैं। तो आप क्या बोलो बच्चों, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ आपका ये होता है। और देखो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जब हम बात करते हैं जेडब्ल्यू के बारे में, अभी तक का जो 5 साल का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है बच्चों, कैसे कहता है बच्चों, ये कहता है दैट इज केमिस्ट्री, जो आपका केमिस्ट्री बच्चों वो आपका सबसे इजी पार्ट आता है, किसमें, आपका जेडब्ल्यू में। तो अगर आपको जे में अच्छे से क्वालिफाई करना है तो आपको केमिस्ट्री आपको प्रॉपरली पता होना ही चाहिए। आप नेट पर देख लो, आपका हमेशा केमिस्ट्री इजी आता है, डिफिकल्ट भी नहीं है, आराम से पढ़ भी लोगे, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इतना बात समझ गए बच्चों? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये आपको प्रॉपरली पढ़ाई करना, ठीक है, डन। सारे बच्चे आई गेस आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि हम किस पार्ट में क्या करने वाले। तो इसके मतलब क्या, अब देखो, अब मान के चलो आज क्लास हुआ, तो आज क्लास में क्या होगा, बच्चे कैसा होगा, बाय द एंड ऑफ टुडे और कल सुबह मैं आपको एनसीईआरटी का सोल्यूशन भेज दूंगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन सोल्यूशन भेज दूंगा, जेडब्ल्यू के प्रीवियस क्वेश्चन और आपको शॉर्ट नोट भेज दूंगा जो आपके इस चैप्टर पढ़ना है, और जो आपका जो हम क्लास रोज पढ़ेंगे वो भी मैं आपको नोट सेंड करूंगा, ठीक है बच्चा, समझ गया? बहुत बढ़िया। अब एक बच्चों ये है आपका आ रहा है क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखो जो चैप्टर आपका बहुत बड़ा भी है ना चैप्टर था, लेकिन आप देखो बच्चों अगर आपको इतना बेसिक टर्म पता तो हम चैप्टर आगे बढ़ सकते हैं, हमको डिफिकल्ट नहीं पाता। अब देखो इस चैप्टर का सीक्वेंस क्या होगा बच्चों, आपको जो पढ़ना है आपको, देखो सबसे पहले पढ़ना है आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या पढ़ना है बच्चों, दूसरा पढ़ना है आपको डाल्टन्स लॉ, आपको डाल्टन्स लॉ पढ़ना है। और हाँ ओके तो सबसे पहले मैंने अगेन आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो किसको पता है कि मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम आपको दिख रहा हो बच्चों, मेरा नाम दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा मेरा दैट इज पीयूष शेट्टी, मेरा नाम पीयूष सर। हाँ मेरा नाम पीयूष सर है, एंड मैंने 2015 में मैंने जेडब्ल्यू क्वालिफाई किया था, एंड उसके थ्रू मुझे NIT सूरत दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत मुझे मिला था, मैंने वहाँ से अपना मास्टर्स क्वालिफाई किया बच्चा, मैंने वहाँ पे किया 5 ईयर्स का, मैंने प्लान वहाँ पे खत्म किया बच्चों, देन उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे पढ़ाया, एंड फाइनली आई एम विथ अवंती फिलोस विथ हिमाचल गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं जेई मेन्स क्वालिफाई करके अगर NIT में जा सकता हूँ तो आप भी क्यों नहीं जा सकते? हाँ भावना, जैसे अभी एक बच्चे ने हैंड रेस किया था, कुछ पूछना पूछ सकते बच्चों, कम ऑन। हाँ हाँ बोलो बच्चा, भावना बोलो बच्चा, सवाल पूछा अपना। देखो अगर आप देखो सिंपल सी बात है, आप देखो हम ये चीजें रोज डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये आज जब आपका पहला क्लास है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और कुछ डाउट्स आपका बेस तो मुझे पूछ लो, तो सिंपल सी बात है रोज हम डाउट्स नहीं कर सकते, राइट, रोज हमको पढ़ाई भी करना होगा, तो आपका जो बेसिक डाउट्स हो प्लीज तो मुझे बताइए तो हम उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है पक्का?
ओके पक्का ना? अब देखो हाँ, अगर जो मांग जो बच्चे अभी ना डाउट आ जाए तो मुझे बाद में पूछ लेना, कोई इशू वाली बात नहीं, ओके कॉलेज के बारे में, ओके फाइन। हाँ अब देख बच्चों, तो मैं क्या बता रहा था बच्चों, मैं आपको बता रहा चैप्टर सीक्वेंस क्या होगा। तो पहले आपको डाल्टन्स लॉ पढ़ना है, सेकंड पार्ट क्या पढ़ना है बच्चों, सेकंड आपको पढ़ना है आपको एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में। आगे सब ये आप में से को पता होगा ठीक है ना, पर आपका आ जाता है मोलर मास से मॉलिक्यूलर मास आ जाता है बच्चों। आप बोलो बच्चों दूसरा टॉपिक क्या आएगा बच्चों, आएगा बताओ जरा, हम क्या पढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ेंगे? मोल कॉन्सेप्ट है ना, हम आपका मोल कॉन्सेप्ट पढ़े करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या पढ़ेंगे बच्चों, जल्दी बताओ, आप बताओ जरा बच्चों, कम ऑन, क्या बच्चों क्या होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। हाँ नहीं आ रही क्या बच्चा, बोलो जरा, हाँ नहीं आ रही क्या, बोलो जरा बच्चा, क्या क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, देन क्या पढ़ेंगे बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। ये बच्चों, ये भाई साहब, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी है, यहाँ से तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और इस बार भी 4 से 5 इसी पार्ट से आया है, इंपेरिकल फॉर्म निकालना और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर निकालना। क्या सबको आता है? क्या सबको आता है? चेक करते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता, तो वो भी हम देखेंगे। जहां तक तो मुझे पता चला आप बहुत स्मार्ट हो, जितना मैंने सुना ठीक है ना, कि आपका वाइवा बहुत अच्छा गया, मैंने भी कुछ बच्चों वाइवा लिया था है ना, आप तो वैसे बहुत स्मार्ट हो, लेकिन फिर स्टिल अगर लगता है कि हम अगर आपने देखो, और एक बात, अगर आपने वो पार्ट पढ़ लिया है और आपको लगता है कि आगे बढ़े, तो आप मुझे बोलो सर पढ़ लिया हम आगे बढ़ सकते हैं, ये बोलना आप ठीक है ना। और जहाँ पर डाउट है प्लीज मुझे मेंशन करना कि सर ये समझ में ना, प्लीज आप बताओ वापस, क्योंकि तो सिंपल सी बात है, ये आपका ऑनलाइन मीडियम है ना। ऑनलाइन में क्या होता है बच्चों, कभी कभी आपका नेटवर्क इशू आ जाता है, समझ में, तो आप बोलना जरा बीच बीच में। ओके पलक, नरिंदर, पल्लवी, कशिश, निशा, कुलदीप है ना, समझ गए? ओके अब देखो सेवन पार्ट के पढ़ने वाले बच्चों, फिर हम पढ़ने वाले आपको पढ़ने स्टोइकोमेट्री के बारे में, फिर हम आपका स्टोइकोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले, ये अभी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एट वाला पार्ट आ जाता है बच्चों लिमिटिंग रीजन, क्या था बच्चों आपका आता है लिमिटिंग रीजन के बारे में, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर कौन सा बच्चों, फिर आपका दैट इज मोलैरिटी, मोलालिटी है ना, मोल फ्रैक्शन, फिर क्या था बच्चों परसेंटेज वेट बाय यस वेट, ये सब आपको पढ़ना है। ओके बच्चा समझ गए? सर यस सर अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन पूछो, यस अब मुझे बताओ कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बोलेगा बच्चों हैंड रेस करो, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों जरा बताओ, कम ऑन। हाँ सेजल बोलिए बच्चा, 2 into अवोगैड्रोस नंबर, क्या बोला बच्चा आपने, वापस बोलो, वापस बोलो, 2 into अवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर, ये आपने फॉर्म देखो, आप अच्छा ट्राई किया कि आपने ये पढ़ा, देखो मोल इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ये पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा बच्चों? जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, क्या क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, आपको ऐसे बोलेंगे कि आपका 5 ग्राम वाटर में, 5 ग्राम वाटर में कितना मोल वाटर होगा, हाउ मेनी मोल्स वाटर होगा, H2 होगा, या तो कितने वाटर पार्टिकल्स होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं है ना। तो जब भी आपको ग्राम दिया हो गया होगा है ना, ये सब दिया होगा, आपको क्या निकालना बच्चों, आपको निकालना है मोल, आपको मोल निकालना प्रॉपरली पता होना चाहिए, इतना पार्ट समझ गए बच्चों? जिसको नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम उसको प्रॉपरली पढ़ लेंगे ठीक है, डन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ सूरज, हाँ सूरज बच्चा बोलो, बेटा बोलो जरा बच्चा, तो डाउट आपका सरोज नागला, ओके नो डाउट, ओके फाइन। हाँ और किसी को बच्चों ऐसे गलती से हो तो कोई इशू नहीं है, ओके ओके फाइन। अब देखो तो जैसे आपने बोला बच्चों, जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको ना, आप मुझे हेल्प करना कि हम कैसे पढ़ेंगे। अब देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम कह रहे हैं हम क्लासिफिकेशन मैट्रिक के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं है ना। तो हमने क्या दिया बच्चों, एक हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या आता है बच्चों,
सॉलिड लिक्विड और गैस सतह है ना, तुम क्या बोलते हो बच्चों, सीशेड मैटर है ना। अब मुझे बताओ और भी, अब मुझे बताओ हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट बच्चों, कितने स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, कौन बोलेगा? हाँ अब जैसे जैसे आपने बोला फाइव, तो यहाँ पर तीन ही है, तो चौथा कौन सा होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे? प्लाज्मा, प्लाज्मा है ना, एक होता है आपका प्लाज्मा, तो प्लाज्मा फोर स्टेट है। फिफ्थ कौन सा बच्चों, फिफ्थ क्या होता बच्चों, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। हाँ तो क्या होता बच्चों, एक होता आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट है, लेकिन है ना हम कभी उसको क्या बोलते बच्चों, हम उसको क्या बोलते हैं, सुपर सिंगल एटम। क्या बोलते बच्चों, हम कभी कभी उसको सुपर सिंगल एटम बोलते हैं। सुजल में एकदम से बोला बोस आइंस्टाइन कंडेंस बोलते हैं, लेकिन ये भी टर्म आता है। देखो बच्चों तो यहाँ पे आपको नया टर्म सिखा दिया ना बच्चों, तो कुछ कुछ आपको समझना। हाँ ये मैं बोलता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये आपका एंट्रेंस में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आपका कितना था, आपका फाइव स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है। ये हो गया हमारा। अब देखो फिर इनके बाद बात करते हैं बच्चों, हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन बारे में। और एक बार बच्चों देखो कभी कभी क्या होता बच्चों, मैं फास्ट बोल देता हूँ, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करना बच्चों, बोलना आप क्या बोलना, आप ये बोलना कि सर 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 रुक जाओ है ना, थोड़ा सा ये वापस पढ़ा दो बच्चों। तो आपको सब बोलना है, और ऐसा नहीं एकदम शांत बैठ रहना है, ऐसा नहीं, आप जितना इंटरेक्टिव बनोगे तो आपको समझ में आएगा। और एक बात अभी मैं चाहता हूँ कुछ बच्चे अपना कैमरा ऑन करें, चलो बच्चों कैमरा ऑन करो, कुछ बच्चे कम ऑन कैमरा ऑन कैमरा ऑन करेंगे। हाँ जैसे अभी कुलदीप ने कैमरा ऑन किया, कृष्ण ने कैमरा ऑन किया है ना, तो मैं पूछ सकता हूँ बच्चों कशिश यहाँ पे क्या लिखा जरा पढ़ो बच्चा, तो आप क्या बोलोगे, पढ़ोगे। तो कभी कभी आपको ये भी बोलूंगा कि मान लीजिए आप टाइप पढ़ रहे हैं, तो आप ना उसको पढ़ना भी है ना, जिससे क्या होगा हम और इंटरेक्टिव बन। जैसे अभी प्रीतो ने भी मस्त अपना कैमरा ऑन किया, तो उनको देख पा रहा, हाई हाई प्रीतो, हाय कशिश है ना, तो ऐसे थोड़ा सा मस्ती मस्ती चलना चाहिए। देखो पढ़ना है, देखो सिंपल सी बात है, एंट्रेंस निकालना है, ऐसे नहीं कि स्ट्रेस से करना है। हाय बच्चा, हाय मुन्ना खान, वेरी गुड इवनिंग, मैं दिख पा रहा हूँ उनको है ना, तो है ना हमको मस्ती से पढ़ाई करना है। और देखो मैं आपको प्रॉपरली हर स्टेप गाइड करूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपका काम क्या हो बच्चों, आपको प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करना है। इतना कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट बात वाली बात नहीं है। डन बच्चा, ओके यस सर। तो अब जे बहुत सारे बच्चों ने कर दिया बच्चों, जैसे पल्लवी ने किया, पलक ने किया, राणा ने किया, बहुत सारे बच्चे, कृष्णा ने किया, सबको हाय है ना, सबको हाय जो यहाँ पे बैठे हैं। कृष्णा मस्त चश्मा लेके बैठी है कि कब सर पढ़ाएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे है ना, तो ऐसे पढ़े तो मजा भी आएगा, जिससे क्या होगा हम इंटरेक्टिव क्लास पढ़े। देखो अगेन बैक टू द क्लास आते हैं बच्चों, अब देखो ये पार्ट। हाँ अभी आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो, क्योंकि आपका नेट जल्दी खत्म हो तो आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। ओके अब देखो बच्चों, तो हमने क्या देखा बच्चों, अभी हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। तो जो आपका प्योर सब्सटेंस है वो भी आपका दो में क्लासिफाई आ जाता है बच्चों, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है आपका कंपाउंड्स। फिर हम बात करते हैं मिक्सचर के बारे में, हम क्या बोलते बच्चों, हम बोलते हैं एक होता है होमोजीनियस, एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। अभी होमो मतलब क्या बच्चों, तो जब भी आपके माइंड में होमो आएगा तो उसका मतलब क्या है बच्चों, क्या होगा बच्चों, होगा वो होगा आपका सेम, मतलब कि वो सारे सेम होने चाहिए। जैसे मान के चलो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिया सॉलिड वन, सॉलिड क्या बच्चों लिया मैंने, मान के चलो मैंने ले लिया, फिर मान के चलो आपने लिया मैंने यहाँ लिया मैंने लिक्विड, जैसे हो गया आपका वाटर हो गया है ना, वाटर हो गया, और मैं से कुछ कलर ऐड कर दूँ तो क्या बन गया बच्चों, वो बन गया आपका होमोजीनियस सोल्यूशन, तो होमोजीनियस मिक्स हो गया बन गया। एक वो होता है आपका हेट्रोजीनियस, मतलब क्या बच्चों, उसमें आपका अलग रहता है। देखो तो जब भी आप वर्ड सुनोगे हेट्रो, तो वह मतलब क्या हो बच्चों, किसका होगा, वो होगा आपका होगा डिफरेंट। अब डिफरेंट क्या हो बच्चों, डिफरेंट क्या होगा, उनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स क्या होते बच्चों, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो वो सब चीज हमको प्रॉपरली करना है। डन मेरे प्यारा बच्चा, समझ गया आपको? यस सर। अब देखो अभी हम बात करते हैं एलिमेंट्स बारे में। तो एलिमेंट्स आपके क्या होता है, तीन टाइप आ जाता है, एक आता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है आपका मेटलॉइड। अब देखो आपने क्या बच्चों, आपने ना दैट इज आपने थर्ड चैप्टर पढ़ाई कर लिया है ना, दैट इज आपने पूरा प्रोसीजर पता चल गया। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो एस ब्लॉक है, आपका एस ब्लॉक में पहला जो कॉलम है उसका एलिमेंट्स का नाम बताओ है ना, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे मैं बात करते हैं
लिथियम आ गया, फिर सोडियम आ गया, है ना। तो ये पूरा सीक्वेंस में पता चाहिए। और मैं आप देखो और भी बोल रहा हूँ मैं आपको, मेरे पास ऐसा ट्रिक है, मैं आपको पूरा पीटेबल याद करा दूंगा, पूरा याद कर दूंगा, और आपको लगेगा इतना सिंपल सा है। अब देखो जैसे मैंने इसको देखो कैसे याद किया, देखो सिर्फ क्या है, दैट इज लीना के रब सीजियम फ्रेंशियम। ठीक है बच्चों, ये आपका ग्रुप वन का जो आपका ग्रुप वन है, जीवन है, वो आपके सारे एलिमेंट्स में आपके लिख दिया। फिर हम बात करते हैं तो दूसरा कौन सा आता है बच्चों, बेलियम आता है, जो आपका सेकंड ग्रुप में आता है बच्चों, बेलियम। उसके नीचे क्या क्या आएगा बच्चों, तो इसको भी एक ट्रिक आता है बच्चों, ये सब आपको प्रॉपरली पढ़ना है, तो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में, तो कंपाउंड सब कैसे होता है, आपका होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो जब भी आपको ऑर्गेनिक के बारे में समझ में आएगा बच्चों, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो कंपल्सरी हो गया होगा, तभी वो आपका ऑर्गेनिक होगा। वहां पे क्या आएगा बच्चों, वहां पे आपका कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया होगा। जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं CH4, इसका नाम क्या है बच्चों, बोलो जरा CH4 इसका नाम क्या है, मीथेन है ना। तो क्या बच्चों, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे आपको मतलब ये आपका क्या बच्चों, हम इसे बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते बच्चों, हम इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों बोले बच्चों, बिकॉज आपका हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी, एकदम से। तो ऐसे हमको प्रॉपर इसको क्लासिफाई करना है। तो बच्चों ये पढ़ लिया बच्चों, और हाँ इसको आपको एंट्रेंस नहीं पढ़ना है, अगर आएगा ही नहीं एंट्रेंस तो पढ़ना क्यों बच्चों, नहीं जरूरत है पढ़ने की। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यल पाठ। हाँ अब मुझे देखो बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा अपने टेक्स्ट बुक में, क्या पढ़ा है बच्चों आपने पढ़ा होगा, एक होता है CGS यूनिट, एक होता है आपका CGS यूनिट, ठीक है ना, एक होता है CGS, एक होता है आपका FPS। तो ये आपने फिजिक्स पढ़ाई किया है और आपने केमिस्ट्री पढ़ाई किया है, लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बच्चों, ये आपका IMB पार्ट है। कौन सा बच्चों, SI यूनिट्स। अब देखो है ना, SI यूनिट्स आपके इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपका वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मीटर पर सेकंड, होगा बच्चों, है ना। ऐसे पढ़ेंगे है ना। तो आपको हमेशा क्या बच्चों, आपको हमेशा ना SI यूनिट को ज्यादा प्रॉपरली पढ़ना है। अब देखो बच्चों, लेकिन फिर भी ये पार्ट है, तो अभी थोड़ा पढ़ाई करेंगे, तो कौन पढ़ेगा हैंड रेज करो, कौन पढ़ेगा हैंड रेज करो बच्चों, कम ऑन, कौन पढ़ेगा, ओके सीमन हैंड रेज किया अंश, ओके। तो मैं बोलता हूँ कि अभी ना दैट इज परमिंदर कौर, वो है ना CGS पढ़ेंगे, ये जो लिखा ना CGS उसको पढ़ेंगे, पढ़ो बच्चे जरा इसको पढ़ो जरा, कम ऑन। It is based on centimeter, gram and second as the units of length, mass and time respectively. Okay. तो ये क्या होता है बच्चों, ये आप इसे बोलेंगे CGS, that is centimeter, gram and seconds. तो ये आपके CGS हो गया। अभी पढ़ें करिश्मा, करिश्मा आप पढ़ो FPS, पढ़ो बच्चा जरा, क्योंकि वो हमेशा ना मस्त स्पेक्स लगे बैठी थी, कि पढ़ के पढ़ेंगे, पढ़ो बच्चा, कम ऑन करिश्मा। A British system which use foot, pounds and second as the fundamental units of length, mass and time respectively. Okay. तो क्या यहाँ पे क्या आता है, जो यहाँ पे आता फुट, इसे हम बोलते हैं ना कि आपका घर कितना स्क्वायर फुट का है, बोलते ही नहीं बोलते कि एक बोलते है, सुना ना बच्चों कि हमारे घर कितना स्क्वायर फुट का होगा, तो वहां से क्या होता है, वहां पे आपका फुट सिस्टम आता है, इसे हम बोलते हैं FPS यूनिट। फिर हम बात करते हैं MKS के बारे में, तो MKS पढ़ेंगे शुभलता, MKS पढ़ो जरा बच्चे, कम ऑन। It is the system which uses meter, kilogram and second respectively for length, mass and time. Ampere was added later on the for electric current. Okay. तो हम क्या बोलते बच्चों, हम बोलते हैं करंट का एसेंट क्या होता है बच्चों, हम बोलते हैं एम्पियर, है ना। इसे हम बोलते हैं पावर, पावर यूनिट क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, वाट, है ना, वाट नहीं WAT, वाट मत समझा, है ना, तो गलती हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको थोड़ा समझना है। यस सर। फिर हम बात करते हैं एसेट, तो अभी क्या होता है बच्चों, अभी है ना आपको SI सिस्टम सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है, कि आपको है ना सबसे पहले आपको SI सिस्टम का प्रॉपरली जानना है, तो ये आपको प्रॉपरली समझना है इस बार, इतना बस समझ गए बच्चों। हां यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अभी इतना पढ़ने पढ़ लिया, अभी हमने इतना पढ़ लिया,
और मैं अभी भी बोलूं बच्चों, यहां से भी आपको एंट्रेंस के तक, हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से इसका मतलब क्या होता है, लेकिन आपका एंट्रेंस के लिए इतना आपको इतना पढ़ने जरूरत नहीं है। कहाँ जरूरत बच्चों, ये भी आपको बताऊंगा अभी, देखो ये वाला, हाँ ये वाला आपको पता होना चाहिए। तो ये पढ़ेंगे, अभी एक बच्चे ने हैंड रेस किया था, चले गई, कहाँ गए कहाँ गए, पूर्वांचल पूर्वांचल ठाकुर, जरा पढ़ो बच्चा क्या लिखा है, टॉप हेडिंग पढ़ो बच्चा से, कम ऑन। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एसआई यूनिट्स, लेंथ मीटर एंड एम, मास किलोग्राम केजी, टाइम सेकेंड एस, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल ए, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। ओके तो बच्चों इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों, आपको ये जो तीन, ये जो पाठ है ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब देखो होता क्या बच्चों, मोस्टली क्या होता है, जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि टेम्परेचर का असेंट क्या होता है, तो बच्चे क्या बोलते हैं बच्चों, वो बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये नहीं आता, क्या आता बच्चों, टेम्परेचर आता है। समझ आ रहा है बच्चों, देखो हम क्या बोलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस गर्मी लग रही है ना, हमने देखा, हम क्या केल्विन तो बोलते नहीं है, तो इससे होता है बच्चों हम क्या होता है, जो टेम्परेचर पार्ट है बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो नहीं होता, क्या होता है बच्चों, होता है आपका केल्विन होता है। तो आपको मैं बोलूंगा कि आपको यहां से लेके यहां तक पता होना चाहिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों, क्या होता है ये होता है आपका, क्या होता है कैंडेला, दैट इज सीडी, ये भी ओके आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो ये पार्ट आपका एंट्रेंस के लिए कौन सा, इतना पार्ट आपको करना है, दैट इज ये पार्ट आपको प्रॉपरली उसको नोट डाउन करना है, एसएमओ करना है, ठीक है, ऐसा आपको प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब देखो अभी हम और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया, तो देखो ये क्या, देखो ये आपका टेम्परेचर स्केल है, ये भी हमने देखा, ये भी आपने पढ़ा होगा बच्चों, है ना, ये पढ़ा होगा। अब देखो लेकिन ये जो आपका लिखा ना, दैट इज प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम, ये आपका मोस्ट मोस्ट आईएमपी है, क्यों बच्चों, बिकॉज कभी क्या क्या यहाँ से क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ से आ जाता है आपका मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि कौन सा क्या आएगा। तो आपको कहाँ से पढ़ना बच्चों, आपको पढ़ना यहाँ से, देखो जहां से ठीक है आपको वहां से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ो बच्चों, आप पढ़ोगे फेमटो से, ये देख रहे बच्चों यहां से, दैट इज फेमटो से पढ़ोगे, देखो इस पार्ट से प्रॉपरली पढ़ोगे, कहां तक बच्चों आपको पढ़ना गीगा तक, इतना आपको पढ़ना है, हो गया बच्चा, समझ गए बच्चों। यस सर, देखो यस अभी देखो जो बच्चे हैं ना, जैसे मोस्टली बच्चे क्या होता है बच्चों, वहां पे दिक्कत खाते, कहां पे खाते बच्चों, देखो ये अल्पा, जैसे हम जैसे हम बात करते हैं डेसी, DECI, इससे क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका टेंट दो माइनस इन्वर्सन, इसका मतलब क्या बच्चों, ऐसा होगा दैट इज 1/10, है ना, ये होगा ना, यस सर, ये होता है कि नहीं होता। यस सर, फिर हम बात करते हैं डेका, डेका मतलब क्या होता है, 10 होता है। फिर हम बात करते हैं हेक्टो, तो ये देखो बेसिक होता है बच्चों, ये जो पार्ट, इतना जो पार्ट है ये भी आपको इसको इसको आपको प्रॉपरली आराम से पढ़ना है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ज्यादा गड़बड़ होता है कि बच्चों पता चलता नहीं है कि कौन सा पार्ट हम कब कैसे करेंगे, तो ये आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना, ये आपका आ जाएगा IMB पार्ट, समझे बच्चों, इतना पार्ट तो ऐसे आपको प्रॉपरली करना है, हाँ ऐसे करना है आपको। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा दैट इज टेम्परेचर स्केल के बारे में दिख रहा होगा, है ना, तो ये दिख रहा होगा, तो आपने इक्वेशन पढ़ा होगा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट के बाद, तो आपको क्या आपको वो याद है, तो मैं आप जरा बोलो बच्चों क्या आपको याद है या नहीं, जरा पूछो मुझे, बताओ जरा, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, बोलो जरा बच्चों, कम ऑन, कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, एक होता है ना, के इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अच्छा अभी आपने ये बोला, देखो आपने एक दो, एक तो आता है केल्विन आता है ना, एक आता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नहीं तो होता क्या बच्चों, जो केल्विन क्या होता है बच्चों, ये कितना होता है, ये होता है आपका होता है 273.15 भी आता है, लेकिन बेसिक हम उसको ऐड नहीं करते, तो क्या आएगा बच्चों 273+ डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि टेम्परेचर कितना बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ कि टेम्परेचर है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है आपका, अगर आपका टेम्परेचर है 100 डिग्री, तो केल्विन में कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, आप यारो आप उसमें 273 के 100 ऐड करो, तो आपका आंसर आज कितना आएगा बच्चों, आपका आएगा 73 केल्विन, केल्विन, तो क्या बच्चों ये कहाँ पे आ रहा है, ये आपका इस वाले पार्ट में आ रहा है, ये पार्ट आ गया। अब देखो
एक आता है फारेनहाइट वाला पार्ट, तो आपको जो फारेनहाइट है और आपका ई वाला पार्ट है, इसमें कौन सा फॉर्मूला आता है बच्चों, क्या आपको पता है? कौन बोलेगा मुझे, कौन बोलेगा? F is equal to 9 upon 5 degree Celsius plus 32. एकदम से। तो एक देखो, जैसे मुझे पहले बोला गया था, आप बहुत ब्रिलियंट बच्चों, तो ये पता होना चाहिए है ना, तो आपको ये फॉर्मूला तो प्रॉपरली पता होना चाहिए, और इवन आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए है ना? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब देखो बच्चों, कल से मैं आपको क्या पढ़ूंगा, कल से मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ कि जो आपका, देखो हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये अल्पा, हाँ एक क्वेश्चन आ गया, तो चलो बच्चों कम ऑन, हाँ ऐसे मस्ती भी, ऐसे मस्ती भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो क्या लिखे बच्चों, द टेम्परेचर मेजर फेरनहाइट कितना बच्चों, ये है आपका है 200 फेरनहाइट, व्हाट विल बी द सेल्सियस, कौन करेगा बच्चों, कम ऑन कम ऑन ट्राई करें, इसका आंसर क्या है, कम ऑन, हाँ कौन बच्चा ट्राई करें, बताओ बच्चों कम ऑन ट्राई करो, क्या आंसर आना चाहिए इसका, कम ऑन। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपने क्या बोला था बच्चों, F इक्वल टू 9/5C + 32 है ना, ये आएगा। तो क्या बोला बच्चों, अभी आपको यहाँ पे फेरनहाइट का दे दिया गया है, आपको निकालना है क्या बच्चों, आपको निकालना है इस डिग्री सेल्सियस निकालना है, मतलब आपको ये पार्ट निकालना है। तो कैसे करें बच्चों, कौन मुझे इसका आंसर बताएगा, जल्दी बताओ कम ऑन, मैं आप सबको वेट कर रहा हूँ। ये आप, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इतना हमने रिडक्शन पार्ट पढ़ा और बेसिक वाला पार्ट हमने प्रॉपरली पढ़ लिया है ना। ओके बच्चों, कौन ट्राई करे बच्चों, कम ऑन, सी, तो निशा चौहान बोल रहे हैं ऑप्शन सी आ गया, सिजल बोल रहे हैं ऑप्शन सी आ गया, 3.3 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपने ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा, दैट इज 200 इक्वल टू 9/5C + 32। तो कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, इसको इस साइड लेके जाओ तो क्या आएगा, 200 - 32 = 9/5C। अब देखो 200 - 32 कितना आता बच्चों, 168 आएगा। आपके और बच्चों, आपके और इक्वल टू 9/5C आ गया है ना, आपके सॉल्व करो बच्चों, कैसे करेंगे, दैट इज डिग्री सेल्सियस क्या आएगा बच्चों, 168 × 5/9 करो, क्या आएगा, 168 × 5/9 कितना जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 93.3, ये आपका आंसर आ जाएगा है ना। यस सर, ये आपका वाला पार्ट। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और आ जाता बच्चों, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एट व्हाट टेम्परेचर, ये आपका होगा होमवर्क, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फेरनहाइट क्या होगा, ये होगा आपका सेम, ये आपका कौन सा वैल्यू, आपका सेम आंसर आएगा कि सेम वैल्यू आएगा एट कौन से टेम्परेचर पे, तो ये होगा आपका होमवर्क, ये होगा आपका होमवर्क। बहुत सिंपल है, आप आराम से कर लोगे है ना। क्या करना बच्चों, कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे रखो x, x मतलब क्या बच्चों, अननोन क्वांटिटी है, यहाँ पे रखो x, ये भी क्या बच्चों, ये आपका अननोन क्वांटिटी है, सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आएगा? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो क्या बोला बच्चों, ऐसे कौन सा टेम्परेचर जहाँ पे आपका डिग्री सेल्सियस और फ्रेंड आपका सेम आ जाएगा, तो ये आपको करना है। तो आप ये बच्चों, इस वाले यहाँ पे आप x डाल दो, ये भी x डाल दो, x के लिए बच्चों दोनों सेम है, बोले तो आपका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है, हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा है ना। तो ऐसा आपको क्वेश्चन करना है, जिससे क्या होगा बच्चों, आप आराम से क्वेश्चन, एकदम से बोला बच्चा आपने सुजल, क्या था बच्चों, आपका -40 पे आता। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये इतना पार्ट हमने पढ़ा क्या, तो बेसिक पार्ट क्या था बच्चों, देखो मेरा काम क्या था बच्चों, कि मैं आपको बताऊं कि आपको अगर आपको क्लास में दिक्कत आता है तो आपको क्या करना है, किस सर को कॉन्टेक्ट करना है, मेरा काम क्या होगा, मेरा, मैं आपको क्या क्या चीज भेजूंगा नोट्स के अंदर, क्लास के अंदर भेजूंगा, तो ये सब आपको बेसिक चीज आपको बताऊंगा। तो आज हमने जितना पढ़ा है वो भी मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, आपको नोट्स भेजूंगा है ना। देखो क्या बोला बोला था बच्चों मैंने, एनसीईआरटी बैचलर क्वेश्चंस, एग्जाम्पल क्वेश्चन, JEE PSC क्वेश्चंस और आपके शॉर्ट नोट इस चैप्टर के, तो ये सब आपको पास होना ही चाहिए हमेशा। ओके बच्चा,
ध्यान रहेगा? यस सर। ओके सर, तो कल के बच्चों के करें, कल हम आपका यहाँ स्टार्ट करें, दैट सीरीज यहाँ स्टार्ट करेंगे और आपका ये सब पार्ट प्रॉपर लेकर हम इसको क्लास को आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चे? फ्रॉम ये पार्ट, ये पार्ट करके हम कल स्टार्ट करेंगे आपका बेसिक वाला, दैट इज डेल्टा इंटरमेंट थ्योरी और आपका एटॉमिक मसल पार्ट। तो मैं आपको बेसिक बेसिक टर्म्स में वो कल समझाऊंगा और फिर आपका क्लास आपको प्रॉपर जम होगा। आई गेस आपको क्लास में आपको मजा आया, गोचो कुछ सीखा आपने आज के क्लास में? पक्का मजा आया ना आपको आज क्लास के अंदर, है ना? आपको मैं क्लास में सब बताऊंगा और अभी जैसे आपको भी जैसे आपका क्लास खत्म हुआ मैं आपको तुरंत नोट भी सेंड करूंगा और आपको उसको नोट डाउन करना है। और हाँ, आप उसको सेफ रखना, ऐसा नहीं कि 10 दिन से पूछे मुझे सर मुझे इस दिन का नोट चाहिए, तो हम उसका लाइब्रेरी बना रहे हैं, हम वो उसका लाइब्रेरी बनाएंगे, इससे आप आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? डन सर। बहुत बढ़िया। तो ये सब बच्चा क्या बच्चों, ये सब का बेसिस में बताया मैंने आपको, इस चैप्टर ये बताया। और हाँ, ये पार्ट दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलो बच्चों, इसको आपको नोट डाउन करना है, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको यहाँ से नोट डाउन करना है, क्योंकि आपका जेडब्ल्यू में कौन सा क्वेश्चन कहाँ सा है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका इम्पोर्टेंट टर्म है। ओके, थैंक यू रिस्पॉन्स देने के लिए सरिता, परमिंदर, सरोज, सारे बच्चे, बहुत मजा आया आपको पढ़ाने के लिए। और हाँ, जैसे आप अभी जैसे हम कैमरा ऑन करते हैं, बात करते हैं, तो जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो क्या मैं क्या बोलूँ बच्चों, मैं आपको ये बोलूंगा आप कैमरा ऑन कर लो, जिससे क्या होगा हम उसको अच्छे से पढ़ाई पर फोकस से पढ़ाई करते हैं, ठीक है बच्चों? डन। Yes, sir. 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 Yes, sir